हेलो फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड्स सिलेक्शन में आपका स्वागत है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, पास वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए, चैप्टर हमारा चल रहा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसकी मैं दो वीडियो डाल चुकी हूँ, अगर आपको नहीं मिलती है तो इसे प्ले लिस्ट में जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें मैं डाल दूंगी। अब देखिए, नेक्स्ट जो है हमारा, या मैं इसके जो भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें इसका लिंक डाल दूंगी। तो आप देखिए, यहाँ पर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर, जिसमें हम सेपरेबल वेरिएबल और डिग्री वगैरह निकालना डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो पहले समझते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो देखिये, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर फर्स्ट बता देती हूँ क्या है, जैसे dy अपॉन dx, ये ऑर्डर आपका फर्स्ट होता है। d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये ऑर्डर टू होता है। तो ये देखिए, f1x y, f2x y, यानी कि ये जो f1 f2 है दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। अगर ये एक ऑर्डर है तो ये भी एक होना चाहिए, ये दो है तो ये दो होना चाहिए। तो हम उनको होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं जो कि हमारा सिंपल ऑर्डर हो। तो देखिए, यहाँ पर डेफिनेशन है, ए फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx f1x y f2x y इज कॉल्ड द होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, वेयर f1x y एंड f2x y आर द फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ द सेम डिग्री। अभी हमने बात की है ये सेम डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कैसे इनका सोल्यूशन निकालते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पता चल गई, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, dy अपॉन dx fv, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, y इक्वल टू vx मान लेते हैं, y इक्वल टू vx, उस y इक्वल टू vx का फिर हम डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx x के रिस्पेक्ट पे। तो आप देखिए, दो फंक्शन है, एक फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन, v को ऐसे ही रखते हैं, x का हो गया 1 प्लस, अब की बार x को ऐसे रखते हैं और v का हो गया dv अपॉन dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डीवी अपॉन डीएक्स dy अपॉन dx। मुझे जो ये v वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, इसको अलग ले जाएंगे या तो फिर इसमें पुट कर देंगे। अभी हमने फंक्शन देखा था, देखिए हमारा फंक्शन क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू fv, इसमें पुट कर देते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू fv हमारा फंक्शन है, इसमें हम पुट करेंगे। हमने पुट की dy अपॉन dx की वैल्यू, ये हो गई आपकी v प्लस एक्स डीवी अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू, जो भी आपका वाई से रिलेटेड फंक्शन होगा, ये वाई है आपका, वाई से रिलेटेड फंक्शन होगा तो वहां पर हम वाई की वैल्यू वी एक्स पुट कर देंगे, जो भी होगा एफ वी एक्स की फॉर्म में। ये आपका सोल्यूशन हुआ। अब हम दिखाते हैं किसी भी क्वेश्चन पर इसे कैसे अप्लाई करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर डीवाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डीएक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम dy अपॉन dx की फॉर्म में बना लेंगे, जैसे जैसे अभी मैंने फॉर्म बताई थी। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड dy इज इक्वल टू माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर dx, हमने कुछ नहीं करा, जो इसका एक पार्ट था वो दूसरी तरफ ले गए। अब हम इसके नीचे dx लाएंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, और ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे ले आएंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, अगर सॉल्व भी नहीं करेंगे तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम पुट करते हैं y इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशिएशन करते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू, v को हम ऐसे ही रखते हैं, x का हो गया 1 प्लस, x को ऐसे ही रखते हैं और v का हो गया x के रेस्पेक्ट में dv अपॉन dx। अब सिंपल ये हो गया, v प्लस एक्स डीवी अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डीएक्स। हम ये वैल्यू सारी इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ये देखो, dy अपॉन dx पूरा हमने सॉल्व कर दिया। अब हम ये वैल्यू जो है इस वाले क्वेश्चन में पुट कर देंगे, dy अपॉन dx की वैल्यू है v प्लस एक्स डीवी अपॉन डीएक्स, हमने यहां पुट की। तो देखिए, v प्लस एक्स डीवी अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां पुट करते हैं, वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, वी एक्स, तो ये एक्स इंटू वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिए हमने क्या किया, केवल वाई की वैल्यू वी एक्स पुट करी तो स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर वी एक्स पुट करी तो ये वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे जिससे ये आपका फिनिश हो जाएगा, ये वी बचा प्लस एक्स वी स्क्वायर बचा अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आपका बचा है माइनस के वी प्लस के वी स्क्वायर,
और यहां बचा है v प्लस एक्स डीवी अपॉन डीएक्स। थोड़ा सॉल्व करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। इस v को हम उधर ले जा रहे हैं, ये माइनस के 2v बन जाएगा, माइनस के v स्क्वायर। तो ये आपका इस तरीके से आ गया। अब हमें v वाली टर्म अलग ले जानी है, x वाली टर्म अलग ले जानी है, तो हम क्या करेंगे, ये डी वी अपॉन, ये माइनस कॉमन लेकर प्लस हो गया, डी वी प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स। डी एक्स उधर गया, x इसके नीचे आएगा, ये 2v प्लस वी स्क्वायर इसके ऊपर आ गया। देखिए हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। और देखिए अभी अगर मैं इसमें से v कॉमन ले लूं v, तो ये बच जाएगा आपका 2 प्लस वी इज इक्वल टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स। आपको पार्शियल फ्रैक्शन आती है, जब इसे पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन भी करके दिखाए हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 बाहर होगा 1/v माइनस के 1/v प्लस 2 या 2 प्लस वी आ जाएगा माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स। आप पार्शियल फ्रैक्शन करके देख लीजिए, अगर आपको नहीं आते पार्शियल फ्रैक्शन तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा, मैं एक वीडियो पार्शियल फ्रैक्शन की बना दूंगी। अब ये देखिए इसका करते हैं हम इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1/v डीवी, इंटीग्रेशन 1/v प्लस 2 डीवी इज इक्वल टू माइनस बाहर 1/x इंटीग्रेशन डीएक्स। तो आप जानते हैं ये क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो पहले आप यहां पर लिखेंगे 1/2 बाहर, ये हो गया लॉग वी माइनस के लॉग वी प्लस 2, ये हो गया माइनस के लॉग एक्स प्लस सी। चाहे तो आप इस 2 को उधर रख सकते हैं, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, लॉग वी माइनस लॉग वी प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के 2 लॉग एक्स प्लस 2 सी। ये देखिए कोई भी लॉग में अगर माइनस में होता है तो अपॉन में चला जाता है, इसको देख लेते हैं, तो ये बन जाएगा आपका लॉग वी अपॉन वी प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के 2 लॉग एक्स प्लस 2 सी। ये आपका सोल्यूशन बन जाएगा। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, y की वैल्यू जो थी हमारी थी y इक्वल टू वी एक्स, इससे v की वैल्यू आ जाएगी y अपॉन x इक्वल टू वी, इसे पुट कर देंगे यहां पर, तो ये बन जाएगा log y अपॉन x अपॉन y अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस के 2 log x प्लस 2 c। सॉल्व कर लेते हैं, log y अपॉन x y प्लस 2 x इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2 लॉग एक्स प्लस 2 सी, और थोड़ा सॉल्व करके एक्स एक्स कैंसिल, लॉग वाई अपॉन वाई अपॉन ये वाई प्लस 2 एक्स, इसको भी धड़े जाते हैं प्लस 2 लॉग एक्स इक्वल टू 2 सी। देखिए सिंपल फॉर्म में करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि लॉग वाई अपॉन वाई प्लस 2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग में क्या होता है, ये जो प्लस वाले होते हैं वो इंटू में हो जाते हैं। सिंपल सा हमारा ये फॉर्मूला हो गया, यानी कि वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2 एक्स, लॉग जो है उधर ले गए e की पावर 2 सी। ये आपका सोल्यूशन आया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन लेकर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 3 वाई। फिर से वही काम करते हैं, वाई इक्वल टू वी एक्स रखते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी प्लस एक्स इंटू डीवी अपॉन dx। सीधा सीधा पुट करते हैं, ये हो गई आपकी v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की जगह हम पुट क्या करेंगे, वी एक्स, तो 2x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3 वी इंटू एक्स। देखिए x दोनों में है तो कॉमन लेकर सॉल्व कर लेते हैं, x कॉमन लिया तो ये बचा 2 प्लस वी, ये नीचे बचा 1 माइनस 3 वी, और ये x x से x कैंसिल, v प्लस एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका हो गया x dv अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस वी अपॉन 1 माइनस 3 वी, और इस v को उधर ले गए यानी कि माइनस के v। अब एलसीएम ले लेते हैं, 1 माइनस 3 वी 2 प्लस वी, एलसीएम खत्म करके ये इससे कैंसिल हो जाएगा और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस के v के साथ आपका आ जाएगा माइनस के 3 वी। थोड़ा सा और सॉल्व करें, ये हो गया आपका 2 प्लस वी माइनस के v माइनस माइनस प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v, v से आपका v कैंसिल हो गया,
ये 2 प्लस 3v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3। सिंपल कैलकुलेशन है, ये लेफ्ट वाला पार्ट लिख देते हैं एक्स डीवी अपॉन डीएक्स। अब हम क्या करते हैं, जो v वाले पार्ट हैं वो अलग ले जाते हैं और x वाले अलग ले जाते हैं, यानी कि सेपरेबल वेरिएबल। डीवी अपॉन ये पार्ट नीचे आएगा यानी कि 2 प्लस 3v स्क्वायर, और ये 1 माइनस 3v ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से dx ऊपर जाएगा उधर, और ये x इसके नीचे आ जाएगा। अब देखिए सिंपल तरीका बन गया, अब हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन। तो पहले देखिए 1 1 वाला अलग ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस 3v स्क्वायर माइनस के 3v अपॉन 2 प्लस 3v स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, इंटीग्रेशन करना है तीनों साइड का, दोनों साइड का। यानी कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन देखें तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, यानी कि टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है, बट ये a भी है। तो पहले इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 वी का स्क्वायर, यानी कि सिंपल आपका ये हो गया dv। इसको हम tan इनवर्स यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूले में ब्रेक कर लेंगे। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें एक पता होता है कि अगर इंटीग्रेशन में ऊपर आपका डिफ्रेंशिएशन रखा है डिनोमिनेटर का, तो वो सॉल्व हो जाता है। देखिए अगर मैं देखूं तो इसको डिफ्रेंशिएट करूं, अलग से करके दिखा देते हैं। यह 2 प्लस 3v स्क्वायर को अगर मैं t मानती हूं तो 2 का 0 हो गया, इसका हो गया 6v dv इक्वल टू dt। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर 6 नहीं है, यहां पर 3 है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं, 2 से डिवाइड कर देती हूं, यानी कि 6v हो गया 2 × 3, और ये आपका हो गया 2 प्लस 3v स्क्वायर dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब ये देखिए t बन जाएगा, ये dv अपॉन dt बन जाएगा, ये पूरा का पूरा dv यहां dt बन जाएगा और ये t बन जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला देखिए यहां पर लिख देती हूं, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो यहां पर लिख लें 1 अपॉन ए, यानी कि ए कितना है रूट 2, टेन इनवर्स एक्स कितना है रूट 3v अपॉन रूट 2 माइनस। अब इसका करेंगे, मैंने देखिए टी माना था, मैं अलग से करके दिखा देती हूं, ये तो आपका dt बन गया, देखिए पूरा dt बन गया अपॉन नीचे t हो गया, तो ये कितना हो गया log t। तो हम लिख लेंगे 1 अपॉन 2 log t, किसे माना था ये ऊपर वाले को माना था 3 प्लस 3v स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c मान लेते हैं, क्योंकि log के फॉर्म में ले सकते हैं, log c या c मान लो आपकी मर्जी है ये। इसके बाद देखिए क्या करना, हमें v की वैल्यू पुट करनी है, 1 अपॉन रूट 2 v की वैल्यू पुट कर देते हैं, करते हैं इसमें v की वैल्यू पुट, tan इनवर्स और रूट 3 अपॉन रूट 2 वी की वैल्यू है वाई अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन 2, ये लास्ट देखिए मैंने निकाली थी, ऐसे निकाली थी वाई इक्वल टू वी एक्स होता है, और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई अपॉन एक्स हो जाएगी, इसलिए मैंने ये पुट कर दी है 1 अपॉन 2। यहां भी ऐसे पुट करते हैं 2 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस log c। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन रूट 2 टेन इनवर्स रूट 3 अपॉन रूट 2 वाई अपॉन एक्स माइनस के 1 अपॉन 2 log। अब ये देखिए ये पूरा आपका ये अपॉन में है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे का होल माइनस इक्वल टू log x प्लस log c। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं यहां पर, यानी कि log का ये अंडर रूट में चला गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, जब ये रूट में जाएगा ये वाला रूट में जाएगा तो ये x बचेगा log x प्लस log c, ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में देखिए ये ऐसे ही चलेगा माइनस के log, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये log a अपॉन b यानी कि a माइनस b हो जाएगा, log अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस log x, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर माइनस का प्लस हो जाएगा, log x इक्वल टू log x प्लस log c, log से log कैंसिल। फाइनल आंसर क्या आएगा आपका, देखिए ये आएगा आपका फाइनल आंसर, हमने log से log काट दी, ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, नेक्स्ट टाइम हम करके लेकर आएंगे रेडिकल होमोजीनियस फंक्शन इक्वेशन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, अगर कोई भी टॉपिक में आपको परेशानी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।